नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल सरकारी नौकरी। दोस्तों, आज हम एक नई वैकेंसी लेके आए हैं जो कि जारी की गई है उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन लखनऊ की तरफ से। तो दोस्तों, आप ये वीडियो देखते रहिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक आप ही के चैनल सरकारी नौकरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी संबंधित एक से दो वीडियो रोज़ बनाता रहता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो वैकेंसी जारी की गई है उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन लखनऊ की तरफ से, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है 10+2 लेवल इंटर पास के लिए वैकेंसी है। यदि आप इंटर पास हैं तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जो वैकेंसी आई हुई है वो आई हुई है स्पेशल जूनियर असिस्टेंट्स की वैकेंसी। उन्होंने मांगा है 12th पास। यदि आप इस साल 12th अपियरिंग में है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको 12th का रोल नंबर और आपको कितना मार्क्स पाए हैं कितना मार्क्स नहीं पाए हैं सब कुछ इंटर करना होगा। तो इस साल अगर 12th में आप हैं तो नहीं अप्लाई कर सकते। अगली बात कि डेट क्या है, जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है वो 18 जनवरी से शुरू हो चुकी है, लास्ट डेट रखी गई है 7 फरवरी, और पूरा फॉर्म कंप्लीट करने की डेट जो है 9 फरवरी रखी गई है। एग्जाम की डेट अभी उन्होंने नोटिफाई नहीं की है, एडमिट कार्ड की डेट भी उन्होंने भी नोटिफाई नहीं की है। जो फीस रखी गई है वो OBC के लिए 250। हाँ, एक बात और दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये जो वैकेंसी है वो सिर्फ OBC SC ST कैटेगरी के लिए है, इसमें जनरल कैटेगरी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस ये वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है। दोस्तों, यदि आप OBC हैं तो आपकी फॉर्म फीस 125 रुपये लगेगी, SC ST हैं तो 95 रुपये फॉर्म की फीस लगेगी, और यदि आप PH कैटेगरी के हैं तो 25 रुपये लगेगी। फॉर्म जो है ऑनलाइन भरना है, मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अगली बात, जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 1/7/2017 को, मैंने 1 जुलाई 2017 को आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। जो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, आपको इंटर पास के साथ साथ आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। CCC का सर्टिफिकेट जो NIELTS सोसाइटी की तरफ से जारी किया जाता है। मैं CCC के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, यदि आपको नहीं समझा तो वो वीडियो भी देखिए। तो यदि आप CCC का सर्टिफिकेट है आपके पास तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो टाइपिंग रखी गई है वो हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट रखी गई है। यदि आप इतनी टाइपिंग आती है तब आप अप्लाई करें, यदि आप टाइपिंग नहीं आती है तभी आप अप्लाई करें, क्योंकि आप लास्ट में यदि आपको निकल जाता है तो लास्ट में टाइपिंग करनी पड़ती है, तो आप उसके प्रैक्टिस करके टाइपिंग भी सीख जाएंगे। दोस्तों, अगली बात, जो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की वीडियो मैं कल बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो आप लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो उसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कल वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, आशा आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि आप 10+2 यानी 12th पास हैं, किसी भी बोर्ड से पास हैं, किसी भी स्टेट से पास हैं, हाँ एक बात और दोस्तों मैं भूल गया कि आप इस वैकेंसी को किसी भी, यदि आप UP के हैं, बिहार के हैं, महाराष्ट्र के हैं, कहीं से भी हैं, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी के लिए वैकेंसी है, किसी भी राज्य का एप्लीकेंट अप्लाई कर सकता है, बशर्ते ये कि जो दूसरे राज्य के जो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे वो जनरल कैटेगरी में रखे जाएंगे, मतलब उनका कोई निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश का जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता, उत्तर प्रदेश का सिर्फ OBC SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, और बाहर के स्टूडेंट भी यदि जनरल कैटेगरी के हैं तो वो भी नहीं अप्लाई कर सकते, सिर्फ OBC ST ST कैटेगरी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा वीडियो को समझ में आ गई होगी, मैं इसी वीडियो को एंड करने की इजाज़त दी है। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, यानी सब्सक्राइब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको रोज़ मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।